आज हम हैं अपने गांव में और आए थे यहाँ पे अपना खेत देखने के लिए। और बारिश भी काफ़ी हो रही है, अभी हल्की हल्की हो रही है। देखो पीछे कितना पानी भरा हुआ है। और अभी हमारे गांव में एक बहुत अच्छी लोकेशन है जो हम आपको दिखाने चलेंगे, मतलब कि शायद ही इंडिया में वो लोकेशन कहीं पे हो। एक ही लोकेशन एक जगह होती है, हर जगह नहीं होती, इसीलिए बोल रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा और हम अभी चलते हैं आपको दिखाने के लिए एक नया ब्लॉग जो हमने अपने गांव का बनाने वाले हैं। तो चलो, पानी भरा हुआ है चारों तरफ, बहुत पानी भरता है इस बार, आप देख सकते हैं ये किस कदर यहाँ पे शांति है। ऐसे 1945 में शांति हुआ करती थी। और ये हम अभी जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, आप बने रहिएगा हमारे। अभी हम रुके हैं एक जगह पे और वो जगह आप देखना चाहते हो, वो जगह है ये, देखो पेड़ के ऊपर बैठे हैं। और हम जहाँ जा रहे हैं वो लोकेशन यहीं से नजर आ रही है, तो आपको हम वो लोकेशन दिखाने जा रहे हैं। देखो फिर वो लोकेशन, लेकिन यहाँ से भी 2 किलोमीटर दूर है, तो वो आपको हम अभी दिखाने वाले हैं, वहाँ चलते हैं। ये देखो जहाँ हम चल रहे हैं वो ये जंगल है, आपको दिख रहा होगा सामने बहुत बड़ा सा, उसके सामने ये झील दिख रही होगी आपको। हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे अंदर एक पार्क जैसा है और एक टेम्पल टाइप का बना हुआ है, जो यहाँ के राजा थे वहाँ उनका घर टाइप का सब बना है, वहाँ उनका जितना भी लोकेशन है सब दिखाएंगे। तो हम यहीं जाने वाले हैं अभी, लेंगे ये हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा, मतलब बाइक खड़ी है, और इस रास्ते जाने वाले हैं। अभी हम इस पेड़ पर विश्राम कर रहे हैं, देखिएगा ये बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छी लोकेशन आ रही है यहाँ पे। और ये हमारे ऋषि भाई हैं जो शर्मा रहे हैं देखो आने से। चलो इनकी फोटो नहीं लेते हैं, नहीं तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, पता नहीं लग रहा हमें। चलो यहाँ से निकलते हैं। हम एटलीस्ट पहुंच चुके हैं जो आपको हम दिखाने के लिए लेके आए थे। ये देख लीजिए, ये हमारे गांव का है माधवगंज का रोमगढ़, इसे रोमगढ़ बोलते हैं। और ये कुछ यहाँ की लोकेशन है, आपको दिखाते हैं। और चलो अंदर आते हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये बाहर का है लोकेशन, वो मेरी बाइक खड़ी है, और ये इसके अंदर आ चुके हैं। ऊपर आपको ये इनकी मूर्ति दिख रही होगी, ये है नरपत सिंह जो यहाँ पे रहा करते थे काफ़ी टाइम पहले, और जो लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों की उसमें इन्होंने लड़ाई भी की थी, हमने तो देखा नहीं है पर सुना है, और इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा भी है, आपको हम अभी दिखाते हैं। देख रहे हैं हम यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं, और ये कुछ पूरी कहानी इनकी स्टोरी लिखी है कि यहाँ पे
क्या हुआ था, इनके परिवार वालों के नेम वगैरह सारी चीजें लिखी हुई है। ये बहुत बड़ा सा जंगल है, आप पीछे देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ा जंगल है ये। इसमें अगर घूमा जाए तो पूरा एक दिन कम पड़ जाएगा आपको घूमने के लिए। अभी इसके अंदर भी चलेंगे जंगल के, आपको दिखाएंगे। तो ये नरपत सिंह के नेम पे बनवाया गया, उनकी वो आपको स्टेचू दिख रही होगी मूर्ति। और यहाँ पे नरपत सिंह जो राजा थे वो रहा करते थे, और उन्होंने लड़ाई की थी और वो इसमें मारे गए थे। इसके ऊपर एक वहाँ पे पहाड़ जैसा है, उसके ऊपर पीपल का पेड़ है, अभी वहाँ दिखाएंगे चल के आपको, वहाँ से पूरा लोकेशन दिखाई पड़ता है। तो इनकी बहुत बड़ी सी कहानी है इसके बारे में, शायद अगर आप गूगल करेंगे तो शायद मिल जाए आपको, और मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। बाकी हम आगे आपको चलते हैं दिखाने के लिए, देख लीजिए पूरा ये लोकेशन है यहाँ की, इस तरीके का काफी अच्छा लगता है। हम जब आते हैं अपने गांव में तो यहाँ जरूर आते हैं एक बार। चलो आगे दिखा। आप देख पा रहे होंगे ऊपर, अभी हम इसके ऊपर जा रहे हैं। इसमें बताया था जो ये बहुत बड़ा सा मिट्टी का बना हुआ है, इसको डी बोलते हैं। इसमें बोलते हैं कि सोना भी बहुत ज्यादा है, और क्यों, क्योंकि इसी पे पहले नरपत सिंह जो राजा थे वो रहा करते थे। तो इस पे बोलते हैं सोना भी इसके अंदर है, लेकिन इसको खोदने की किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि इस पे जो बात करें जो राइट है वो गवर्नमेंट का है। इसके बाद में इसमें एक सुरंग भी है इसके ऊपर, जो यहाँ से एक पास में ही लोकेशन पड़ती है, कन्नौज उसका नाम है, वहाँ पे जाके निकली है बताई जाती है। तो हम आपको वो भी दिखाते हैं अभी। ये देख लिए, देख लीजिए हम ऊपर आ गए हैं, और चलो हम आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ खंडहर टाइप का टूटा पड़ा है, इसमें क्या था पता नहीं। हम तो यहाँ जब से आते हैं तब से हमको ये ऐसे मिलता है, पहले ये थोड़ा सही था लेकिन अब ये ज़्यादा टूट गया है। इसके अंदर क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे खंडहर टाइप का है ऐसे। और अंदर जहाँ पे सुरंग है वो अंदर एक कुआं टाइप का है बहुत गहरा, उसमें बताते हैं सुरंग, लेकिन वो भी तुपा पड़ा है बिल्कुल उसमें। ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ा जंगल है चारों तरफ, हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आप बहुत बड़ा जंगल है। तो अभी हम ऊपर हैं, अब नीचे जा रहे हैं, कुछ और लोकेशन है अच्छी, आपको वो दिखाते हैं इस रोमगढ़ की। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. तो भैया ये कुछ था हमारे यहाँ का रोमगढ़ का वीडियो, और कैसा लगा आपको ये लोकेशन हमारे गांव की? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, और हम और भी अपने यहाँ पे गांव में अभी यहीं के व्लॉग सारे।